Hello viewers, welcome to my YouTube channel DDK BioWorld. Learn biology simply and make your studies easier. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन प्रेस बेल आइकॉन. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है. पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि आसान तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और लेबल कर सकते हैं. अब हम लोग जानेंगे ये पार्ट्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है और रेस्पिरेशन असलियत में होता कैसे है. वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि हम ये लिंक जो है डायग्राम्स का वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं. आप लोगों को रिफर करना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज देखिए. और एज यूजुअल आई वुड लाइक टू थैंक माय मॉम, माय मदर इन लॉ, ऑल माय फैमिली मेंबर्स फॉर अ ह्यूज सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट. अब हम लोग टॉपिक में जाएंगे. एनिमल्स एवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो में ये जाने हैं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना एक ऑर्गेनिज्म में. और एनर्जी प्रोड्यूस तभी हो पाएगा जब ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबिलिटी में रहेगा. तो इसीलिए हमेशा हम लोग बाहर सुनते हैं कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट रेस्पिरेशन. एंड इनफैक्ट इट इज अ इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. जब टेरिस्ट्रियल एनिमल्स का बात आता है, वो लोग अपना खुद ऑर्गन्स एवॉल्व कर दिए हैं, यानी वो लोग डेवलप्ड है, इसीलिए ऑर्गन्स को डेवलप कर दिए हैं जो जैसे कि ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जैसा ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स है. अब जो हम लोग सोचेंगे टेरिस्ट्रियल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन किस तरह से हो सकता है. एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर कैन आउट ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर, हैंस यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वॉटर. यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स वॉटर के अंदर रहेगा वो लोग एयर से एटमोस्फियर से अपना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा. इसीलिए वो लोग क्या करेगा, जो भी पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है वही ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो लोग इनटेक करेगा. जैसे कि एग्जाम्पल है फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स. ये लोग गिल्स के थ्रू पानी को छोड़ते रहेगा लेते रहेगा. ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये लोग लेते रहेगा और छोड़ते रहेगा. टेरिस्ट्रियल एनिमल्स कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डायरेक्टली. टेरिस्ट्रियल जो भी लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग ऑक्सीजन को डायरेक्टली ले सकता है. एज डिजॉल्व ऑक्सीजन इज कंपेरेटिवली लो एज कम्पेयर टू O2 इन एयर, एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ मच फास्टर देन द टेरिस्ट्रियल. यानी इसका मतलब है जब एयर में जो ऑक्सीजन कंटेंट अवेलेबिलिटी जो रहता है वो ज्यादा रहता है, और जो ऑक्सीजन है ये एयर में प्रेजेंट हुए ऑक्सीजन जब पानी में डिजॉल्व हो जाता है उसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है. इसीलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी है वो लोग ज्यादा हम लोग से ज्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि अपना रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे. अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ये जितना भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं CBSE और NCERT सिलेबस के हिसाब से है. तो स्टूडेंट्स प्लीज हम याद रखिए कि हम उसी सिलेबस में कन्फाइन होके ये जितना भी है बना दिए हैं. पहला नॉस्ट्रिल्स. जैसा कि हम लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉस्ट्रिल्स यानी नेजल पैसेज जो है यहाँ पे नोज रहेगा. ये नोज हम लोग का एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को या एयर को अंदर लेगा, उसके बाद यहां से ऐसा चलेगा, फिर उसके बाद ये ट्रैक जो रहता है ये पूरा ट्रैक में म्यूकस और सीलिया रहेगा. और जो सीलिया ये लाइनिंग पे रहता है वो लोग डस्ट पार्टिकल्स और जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंटर होता है एयर के थ्रू. उतना भी रेस्पिरेशन का सीक्वेंस है ह्यूमन बीइंग्स में, हम लोग एक टेबल में आसानी से याद रख सकते हैं और इसको एग्जाम में भी ऐसा ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इससे पेपर और सुंदर भी दिखेगा. नॉस्ट्रिल्स यानी नेजल कैविटी. फ्रॉम हियर एयर विल पास इनटू थ्रोट. हियर द एयर इज फिल्टर्ड बाय हेयर्स इन द पैसेज एंड म्यूकस. यानी ये जो पैसेज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, म्यूकस और सीलिया रहेगा जो डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकालने में मदद करेगा. नेक्स्ट फ्रॉम द थ्रोट.
it will pass to the lungs. In the throat, rings of cartilage are present that help in protecting lungs from collapsing. यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो प्रेशर में हम लोग के पास आता है जितना भी एयर होगा एटमोस्फियर में वो हो सकता है कि हमारा लंग्स या ब्लड वेसल्स या कोई भी चीज को डैमेज कर दे या हम लोग का ऑर्गन्स का लाइनिंग्स को. तो इसीलिए वैसा कुछ नहीं होने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हम लोग कल देखे थे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है. ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो मदद करेगा फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू द एंट्री ऑफ द एयर विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर और सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्पोनेंट्स. इसके बाद लंग्स से एयर जो रहेगा ब्रोंकाई में जाएगा. फ्रॉम देयर इट विल गो इनटू ब्रांचिंग्स ब्रोंकियोल्स एंड फ्रॉम देयर इट गोज इनटू एल्वियोलाई. अब ये जितना भी पैसेज है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एल्वियोलाई और उसका रोल अभी हम देखेंगे. Alveoli are present as balloon-like structures. As we see here, alveoli are present as balloon-like structures. They provide surface area for gaseous exchange. यानी यही पे असलियत में gaseous exchange होता है in between the body and the lungs and the outer atmosphere. Walls of alveoli contain network of blood vessels. यानी alveoli में क्या रहता है इसके walls में blood vessels. यानी ये लोग blood vessels contain करता है और blood vessels से contact में रहता है. Blood will take up oxygen in alveoli and transport to the body cells. ये blood vessels में जो blood रहेगा जितना भी oxygen रहेगा जो oxygen enter होता है एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन को ले लेगा और कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी का हर ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा. इन द कॉन्ट्रास्ट ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू रिलीज इनटू एल्वियोलाई दैट इज ब्रीथ आउट. यानी और एक तरफ से दूसरा तरफ से ब्लड क्या करेगा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया पूरा बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लेके आएगा एल्वियोलाई के पास और ये एल्वियोलाई के पास जाके छोड़ देगा और यहाँ का एल्वियोलाई क्या करेगा फिर उसको ब्रीथ आउट करने में मदद करेगा. तो एल्वियोलाई इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है. उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में दिखाई देता है या बिट्स में भी दिखाई देता है वो है डायाफ्रैगम. डायाफ्रैगम क्या होता है या डायाफ्रैगम क्या होता है. इट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू परफॉर्म ब्रीथिंग साइकिल. It helps in enlarging and contracting the chest cavity so as to breathe in and out. यानी जैसा कि हम लोग जानना जरूरी है ये कि lungs elastic नहीं है. यानी lungs जैसा कि हम लोग सांस लेते हैं वैसा फूल जाता है फिर सांस छोड़ते हैं वैसे ही contract हो जाता है. लेकिन lungs को ये power या capacity कहाँ से आता है ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा muscle रहेगा. This is called as diaphragm. ये जो diaphragm है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये रिलैक्स होगा. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा तब हम लोग का चेस्ट कैविटी में ये जितना भी रिब्स है उसमें सरफेस एरिया डिक्रीज होते रहेगा इंक्रीज होते रहेगा. जब ये रिब्स का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा ये लंग्स को पुश कर देगा और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा लंग्स को पुल कर देगा. जैसे कि हम लोग को लगता है कि लंग्स एक्सपैंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन ये जितना भी है इसका वजह डायाफ्रैगम है. तो ये याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट एज द एनिमल सच एज ह्यूमन बॉडी इज लार्ज डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशियंट टू सप्लाई O2 टू द बॉडी. जैसे कि कोई भी एनिमल का बॉडी थोड़ा लार्ज और कॉम्प्लेक्स ही रहता है क्योंकि हम लोग एवॉल्व्ड है. तो डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से हम लोग का पूरा बॉडी का जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है. इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को एवॉल्व कर दिए हैं. रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब जो पिगमेंट जो ये ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करेगा. हेंस रेस्पिरेटरी पिगमेंट सच एज हीमोग्लोबिन दैट हैज हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन विल हेल्प इन कैरिंग इट टू द होल बॉडी. यानी ब्लड में ऑक्सीजन बाइंड होना जरूरी है तभी तो ब्लड उसको कैरी कर पाएगा. तो वो बाइंडिंग कैपेसिटी देने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ने भी हमारा बॉडी ने भी एक कंपोनेंट को इवॉल्व कर दिया वो है हीमोग्लोबिन जो कि हम लोग का ब्लड का हिस्सा है. बिना
हीमोग्लोबिन का ब्लड ही नहीं है, और जो हमारा ब्लड रेड कलर में रहता है वो भी इसी के कारण रहता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इट हैज हाई एफिनिटी टू द ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी, इसको ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी रहेगा जो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली अबाउट द रेस्पिरेशन। अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, या आप लोग मेल भी कर सकते हैं कोई भी डाउट या कोई भी और टॉपिक्स में अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।